बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको आज का जो रियाल रेट है और डॉलर रेट है इससे अपडेट करूंगा मैं फिर वही बात रिपीट करूंगा जी जो पहले करता था कि ईद के ऊपर भाई अगर रियाल है तो संभाल कर रखें, ईद के ऊपर रेट हाई होने वाला है, यानी कि जैसे जैसे ईद नज़दीक आएगी। इस दौरान में कुछ रियाल रेट नीचे आया, अब पिछले एक वीक में डॉलर रेट भी नीचे आया जैसे कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट चेंज हुई। तो भाव से भाई मुझे कमेंट कर रहे थे कि भाई तूने बोला था कि ये ईद के ऊपर ऊपर जाएगा 50 पर और अभी तो नीचे आना शुरू हो गया है, तो आप ही फिर से भाई छलांगे लगना शुरू हो चुकी हैं। आज जो छलांग लगी है वो आपके साथ शेयर करूंगा। पहले आपको डॉलर रेट बता दूं, आप देख लेंगे एक ही दिन में 182.54 रुपए से 184.44 रुपए हो चुका है, यानी कि 2 रुपए एक ही दिन में, 1.90 रुपए बनता है, यानी कि 2 रुपए ही आप कर लें तो 2 रुपए भाई बहुत बड़ी छलांग है डॉलर की एक ही दिन में। अगर रियाल रेट के मुतालिक बात करें, आपको पहले एक्सचेंज रेट दिखा दूं, आप वो देख रखे होंगे 48.80 रुपए हो चुका है, जो कि कल 48.43 रुपए था, आज 48.80 रुपए यानी कि 49 पर तो पहुंच चुका है, और इंडिया का 20 पैसे है और 20 रुपए है, एंड बांग्लादेशी टके की बात करें तो 23 है जी। अगर मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से भी आपको बताऊं, मैं फौरी बैंक अल जजीरा की बात करें तो 47.93 रुपए रेट हो चुका है, यानी कि 48 के करीब, और फीस है 10 रियाल। एसटीसी पे 47.95 रुपए यानी कि ये भी 48 बोल रहे हैं अब रेट हो चुका है। तखवील अल राजी बैंक की बात करें तो 47.16 रुपए इनका रेट है, और वेस्टर्न यूनियन की बात करें तो 48.66 रुपए, कितना वेस्टर्न यूनियन से पैसे भेजे भाई, 48.66 रुपए रेट है, और इनकी 23 रियाल फीस है, आप 49 के करीब करीब बोल रहे हैं, वेस्टर्न यूनियन का रेट पहुंच चुका है। मनीग्राम की बात करें तो 47.83 रुपए रेट हो चुका है, 23 रियाल फीस है, एंड टैली मनी ए एंड बी बैंक की बात करें तो 47.97 रुपए, यानी कि 48 के ऊपर तो सब बैंक पहुंच चुके हैं, वेस्टर्न यूनियन भाई 49 के करीब जा चुका है, यानी कि 48.66 के ऊपर, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले कुछ ही दिनों में, यानी कि 2-4-5-1 हफ्ते के राउंड में ये 49+ में चला जाएगा। ईद के ऊपर अगर आप रियाल भेजेंगे इसे 2-4-5 दिन पहले, तो मेरे हिसाब से 49.5-50 लगेगा।